अब वीडियो अगर आपने ओपन कर ही लिए तो सुनो यार, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि आगे भी आपको WWE से रिलेटेड कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने को मिलते रहे जिन पर आपने क्लिक किया है, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना आप बिल्कुल भी मत भूलना। क्या जॉन सेना रेसलमेनिया में नहीं लड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं आज के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में। लेकिन उसके बाद क्या होता है, प्रेडिक्शन नहीं बल्कि स्पॉयलर्स, क्योंकि द फीड चैलेंज जॉन सेना। तो कैसे हो एवरीवन, एक बार फिर से मैं कमाल की वीडियो के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो गया हूँ। क्योंकि आज की जो वीडियो आज की कमाल के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड से जुड़ी है, जो कि था सुपर शोडाउन इवेंट के बाद WWE का पहला स्मैकडाउन लाइव का एपिसोड। और आज के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में दो बहुत ही बड़े रेसलमेनिया के WWE की तरफ से जो मैचेज है वो कन्फर्म हो चुके हैं। यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के जो सेगमेंट था उसके बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पर गोल्डबर्ग एंड रोमन रेंज आमने सामने आते हुए नजर आए। इसके अलावा जॉन सीना के पूरे सेगमेंट के बारे में बात करेंगे हिंदी के अंदर, जहाँ पर उन्हें पहले कहा कि भाई वो रेसलमेनिया में नहीं लड़ेंगे, उसके बाद उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया था फीड का रेसलमेनिया के लिए। तो कुल मिलाकर ये जो वीडियो है ये इन दोनों सेगमेंट पर डिपेंड है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। शो की शुरुआत होती है हमारे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन द बिल गोल्डबर्ग के साथ। एंड गोल्डबर्ग रिंग के अंदर आते हैं अपनी यूनिवर्सल टाइटल के साथ। उन्हें मिक्स्ड रिएक्शन मिलता है, उन्हें बूज भी मिलती है, उन्हें चेयर्स भी मिलती हैं। लेकिन वो रिंग के अंदर आके कहते हैं ये कोई गलती नहीं है, यानी कि उनका जो चैंपियन बनना है कोई गलती नहीं है, बल्कि जो आखिरी तक टिकेगा ये वो है। लेकिन उसका जो कहते हैं अब जो सारी चीज़ें वो उस पर डिपेंड है कि अब अगला मेरा अपोनेंट कौन है, यानी कि हु इज़ द नेक्स्ट। उसके बाद द बिग डॉग रोमन रेंज का एंट्रेंस या फिर कोई थीम सॉन्ग प्ले होता है, वो रिंग के अंदर आते हैं, घूरते हैं गोल्डबर्ग को, और रिंग के अंदर आने के बाद वो ये बात अनाउंस कर देते हैं आई एम द नेक्स्ट। तो यहीं से बात कंफर्म हो चुकी है कि गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंज के बीच हमें मैच दिखाई देगा रेसलमेनिया के अंदर फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और ये बात WWE की तरफ से भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, फैंस भी काफी ज्यादा खुश थे इसके बाद। लेकिन अब डायरेक्टली बात कर लेते हैं WWE के मेन इवेंट के बारे में, जहां पर जॉन सेना हमें बहुत लंबे टाइम बाद WWE के अंदर रिटर्न करते हुए नजर आते हैं। जॉन सेना हर बार की तरह भाई पूरी ऑडियंस को भावुक कर देते हैं, यानी कि इमोशनल कर देते हैं। उनका कहना यही होता है कि ये मेरा घर रहा है हमेशा से, रेसलमेनिया का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। और उनका कहना ये था जब भी वो रिंग के अंदर एंटर करते हैं उनका जो कैसे तो दिल है वो चेस्ट से धड़कता रहता है बहुत तेज तेज। एंड फिर उनका कहना ये होता है कि जो WWE सुपरस्टार हैं दिन पर दिन अपने आप को बेहतरीन करते रहते हैं, ऐसे इसलिए ताकि उन्हें रेसलमेनिया में कम्पीट करने का मौका मिले। और उसके बाद यहाँ पर वो ऑडियंस का भी थैंक्स करते हैं जिन्होंने WWE को अभी तक सपोर्ट किया है और WWE कहाँ से अब कहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन उसके बाद जॉन सेना फिर से रेसलमेनिया को मेंशन करते हैं साल के, उनका कहना यह होता है कि मेरे हिसाब से फैंस को इस साल रेसलमेनिया में जॉन सेना के बिना जाना पड़ेगा, क्योंकि उनके हिसाब से जो स्पॉट है WWE सुपरस्टार को कमाना चाहिए, ना कि मैं आऊं बस ऐसे चैलेंज कर दूं किसी को और रेसलमेनिया के अंदर जॉन सेना को स्पॉट मिल जाए, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉन सेना को ऐसा होना चाहिए कि एक कंपनी का ब्राइट फ्यूचर हो, कि हर जो WWE सुपरस्टार है चाहे वो हॉल ऑफ फेमर हो चाहे वो लेजेंडरी सुपरस्टार हो, उसे अपना जो स्लॉट है वो अर्न करना चाहिए। तो फैंस यहां पर बू करते हैं, लेकिन जॉन सेना कहते हैं मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा नाराज हो कि मेरे बिना आज रेसलमेनिया जाने वाले, आपको थोड़ा बहुत खट्टा लगेगा रेसलमेनिया मेरे बिना। लेकिन उसके बाद जॉन सेना कहते हैं कि यस यही होना चाहिए ताकि जो कंपनी है वो आगे और बढ़ पाए और हमें हर टैलेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद जॉन सेना जो है हमें कहते हैं कि आज ये नाइट स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो WWE के अंदर फिर से कब रिटर्न करने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये बात जरूर बताई कि जो रेसलमेनिया के अंदर है इस साल वो जॉन सेना के बिना जाएगा। और ये कोई रिटायरमेंट नहीं है, उनका कोई गुड बाय नहीं है WWE को, बल्कि जस्ट ये रेसलमेनिया के लिए उनकी ना है कि वो मैच में रेसल नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसे ही जॉन सेना जाते हैं फैंस उन्हें चीयर करने लग जाते हैं, क्योंकि जॉन सेना कहते हैं कि आप इतनी तेज चिल्लाओ कि पूरी कह सकते हो दुनिया में जॉन सेना नाम गूंजने लग जाए और उन्हें ये पता लगे कि जो जॉन सेना के फैंस हैं उनके बुरे अच्छे टाइम पर उनके हर डिसीजन पर उन पर साथ हैं। जब जॉन सेना एंट्रेंस रैप पर जाते होते हैं फाइनली वो चीज़ हो जाती है जो कि मैं बहुत देर से वहाँ पर देख रहा था, और वो ये कि लाइट्स ऑफ होती हैं एंड द फीड जॉन सेना के पीछे खड़े होते हैं। यस ये फाइनली काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी आज के स्मैकडाउन लाइव के एपिसोड में कि भाई जॉन सेना पहले मना कर देते हैं रेसलमेनिया में मैच लड़ने से, लेकिन फिर द फीड उन्हें करते हैं कन्फ्रंट। एंड यस यहाँ पर द फीड जॉन सेना को बाकी सुपरस्टार्स की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, यानी कि उन पर डायरेक्टली अटैक नहीं कर देते हैं, बल्कि जॉन सेना के पीछे खड़े रहते हैं। जॉन सेना पीछे घूम के देखते हैं जब वो अपने सैल्यूट वाला कैसे तो ट्रिब्यूट देते होते हैं, और जैसे जॉन सेना पीछे घूमते हैं द फीड वहीं खड़े होते हैं, वो अपना हाथ ऊपर
बढ़ रहते हैं रेसलमेनिया की तरफ और यहाँ पर जॉन सीना को कर देते हैं बिना कुछ बोले चैलेंज। और उसके बाद जो जॉन सीना है ऑडियंस की तरफ इधर उधर देखते हैं, जॉन सीना की जो ऑडियंस है वो उन्हें यस यस करती है एंड जो जॉन सीना है वो भी अपनी टोपी पकड़कर यहाँ पर यस कर कर चले जाते हैं। और उसके बाद जो द फीड है लाइट्स ऑफ होती हैं, वो पीछे एक बार फिर से बैक स्टेज की तरफ चले जाते हैं। तो यस, जॉन सीना वर्सेज द फीड का मैच भी कन्फर्म हो चुका है रेसलमेनिया के लिए। आप देखो पहले WWE का यही प्लान था लेकिन अब उसमें से यूनिवर्सल चैंपियनशिप को हटा दिया गया और वो गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस के मैच में डाल दिया गया। लेकिन स्टिल ये जो मैच है वो काफी ज्यादा कमाल का जरूर जाने वाला है। बस अब देखने में मजा ये आने वाला है कि जॉन सीना वर्सेस द फीड के मैच जो है WWE की तरफ से कब ऑफिशियली अनाउंस होता है। यस, जो एक्सपेक्ट किया था हम सभी ने वो सारी चीजें हमें आज के स्मैकडाउन लाइक एपिसोड से जरूर मिली। तो गाइस बस ये वाली वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो नीचे वीडियो को लाइक के बिना ऑफ कोर्स कहीं मत जाना। जॉन सीना वर्सेस द फीड एंड रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप, इन दोनों मैचेस के बारे में आपका क्या कहना है नीचे मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। और आज की स्मैकडाउन लाइक को आप कितनी रेटिंग देना पसंद करोगे ये भी जरूर बताना है। साथ ही साथ कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट्स जानने को मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।